1991 बैच के आईपीएस अधिकारी अतुल वर्मा ने प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में अतुल वर्मा ने कहा कि नई जिम्मेदारी उनके लिए अवसर भी है और चुनौती भी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ते नशे के मामलों और साइबर क्राइम के मामलों पर नकेल कसना उनकी प्राथमिकता रहेगी। हमारा फोकस डिमांड साइड रहेगा। जब तक डिमांड कम नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम को पूरी तरह पकड़ में लाना मुश्किल होगा। तो डिमांड कम करने के लिए कई तरह की उसमें पहल की जाएगी और छोटे से स्कूल टाइम से लेके बच्चों का से लेके ट्रेनिंग, काउंसलर्स की ट्रेनिंग, डी एडिक्शन सेंटर्स बेटर हों और कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है जो सामने नहीं आते, पीछे से बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको इन्वॉल्व करके इसको काफी ज्यादा प्रायोरिटी देके करना होगा। शायद प्रदेश में क्राइम के हिसाब से सबसे बड़ा इशू है। अतुल वर्मा ने कहा कि राज्य के आपराधिक आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश पुलिस विभाग का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए हिमाचल एक सुरक्षित स्थान है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों हुई है उनकी गहनता से जांच की जाएगी। तो सबसे सुरक्षित स्टेट ही मानता हूं और महिलाओं के लिए भी जो भी स्ट्रे इंसिडेंट्स हुए हैं उसको स्ट्रांगली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और सजा दिलाने का फुल प्रयास किया जाएगा। मैं छोटा सा चीज़ बोलूँगा, शायद पूरे देश में आप ध्यान दीजिएगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो बसें हैं घर से निकल के माल रोड लड़कियाँ क्लास सिक्स क्लास सेवन की शिमला में जाती हैं। आप दूसरा कोई प्रदेश बता दें जहाँ सेफली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लड़कियाँ जा सकती हैं। तो दिस इज़ अ मैटर ऑफ आवर प्राइड। सो हिमाचल इज वेरी सेफ फॉर गर्ल्स। जो स्टे इंसिडेंट्स हुई हैं उस पर वी हैव टू टेक इट अप सीरियसली सो दैट वी रिमेन द बेस्ट।